श्याम प्यारे की तीन बाण धारी की लगदा तार की कलयुग के अवतार की अहिल्यावती के लाल की श्याम प्यारे की। जो ये संकीर्तन चल रहा है श्री खाटू श्याम सेवा समिति जिसका मुख्य कार्यालय जागृति बिहार मेरठ में शाखा जहां से अभी खरखोदा से आए हुए हैं नितिन जी, इसकी शाखा खरखोदा सरदना में भी है और बाबा की सेवा चलती है क्योंकि 365 दिन ये समिति निशुल्क कीर्तन कराती है। दरबार साउंड म्यूजिकल ग्रुप भजन गायक सब समिति की ओर से होते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं किया जाता कि नहीं हमें इतने पैसे चाहिए, कोई डिमांड नहीं। सिर्फ बाहर के लिए किराया। बच्चों तुम इन बच्चों को हटा दो और क्या। जब तो ये संकीर्तन हमेशा बाबा का चलता रहता है पूरे मेरठ में। भोजन करियो गुरु जी करियो। ये बाबा का संकीर्तन पूरे मेरठ में चलता है। जहां कहीं बाहर होता है तो केवल किराया भी जो वो चाहे वो दे दे, कोई डिमांड नहीं होती। और प्रत्येक माह बस भी जाती है, कई कई बार बसें जाती हैं। ये बाबा की कृपा है। अब तो साझापुर भी बाबा की ऐसी कृपा हो रही है, 3 महीने से लगातार बस जा रही है। चिंटू जी ने 1 साल पहले जो कीर्तन कराया था, चिंटू जी देखो आज वो वृक्ष कितना बड़ा होता जा रहा है। चिंटू जी के लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि देखो वो वृक्ष कितना बढ़ रहा है। और बधाई आज इन छोटे छोटे बच्चों को भी जिन्होंने ये बाबा का संकीर्तन कराया है। ये सब बच्चे यहाँ आ जाएं, 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, क्योंकि संकीर्तन वही होते हैं जब बाबा की कृपा होती है। ऐसे कीर्तन नहीं होते। हम भी चाहते तो कीर्तन नहीं होते, होते जब है जब बाबा चाहते। अभी करीबन 12 मिनट की बाबा श्याम की कथा होती है, क्योंकि जैसे कथा में भैया जैसे जागरण में तारा रानी की कथा, वैसी श्याम बाबा की कथा। क्योंकि बाबा कौन है इसके बारे में जानना जरूरी है। एक भ्रांति है कि बाबा नए हैं, बाबा नए हैं इसलिए बताते हैं हम बाबा कौन है। बाबा श्याम की जो कथा सुनेंगे बड़े शांति से, बीच में कोई उठ के ना जाए, क्योंकि 12 मिनट की कथा है, कोई बातें ना करे, उसके बाद कोई कहीं जाए। कथा आरंभ होती है बाबा का ध्यान करते हुए, हे बाबा कोई इसमें त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि वाणी है न कंठ है। क्योंकि ये कथा कंठ से नहीं, सिर्फ बाबा का नाम लेके गाई जाती है, बताई जाती है। बाबा श्याम कौन है बोलो 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 हारे के सहारे बोलो हारे के सहारे की बाबा श्याम कौन है। पांडव कुल में जन्म हुआ, पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र हुए वीर बरबरी। देखिए कितने पुराने हैं बाबा, सब देवों से पुराने हो गए। भीम के पोते, जिस समय महाभारत काल का युद्ध हुआ, उम्र थी 14 साल, 14 साल उम्र थी उस समय। बाबा लीले पे सवार हुए और चल पड़े युद्ध भूमि की ओर।
क्योंकि लीला घोड़े का नाम था, रंग नीला नहीं था। जिसे जो कुछ मांगना हो बाबा से झोली फैला कर बैठ जाए, कथा आरंभ हो गई है, हम भी बीच में नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है आपकी बाबा से हो रही है। भैया चुप हो जाओ, चुप तो मैं बंद कर दूंगा भाई साहब, बीच में बिल्कुल बंद कर दूंगा। ये केवल पहली बार हो रहा है यहाँ ऐसा, ये कथा शांति की है। बाबा घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए। रंग नीला नहीं था, नाम लीला था घोड़े का। माता ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? बेटे ने कहा हे माँ, मैं आज महाभारत काल का युद्ध देखने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटा पांडव 5 कौरव 100, पांडव यदि हारने लग जाए तो हारे का सहारा बनना, और रास्ते में तेरे से जो कोई कुछ मांग ले उसे वही दे देना। बेटे ने माँ को वचन दिया और घोड़े पर सवार होके युद्ध भूमि की ओर चल दिया। जैसे युद्ध भूमि के पास पहुंचा, चारों दिशाएं गूंज उठी, हाहाकार मच गया। कृष्ण भगवान ने देखा आज कौन सा योद्धा आ गया, देखा ये तो वीर बर्बरिक चला आ रहा है। जिसके आने से पहले ऐसी गर्जना, उसके आने के बाद क्या आलम होगा, आने के बाद क्या आलम होगा। कृष्ण भगवान ने देखा कि ये आने पर सारा युद्ध का निर्णय पलट देगा। और कृष्ण कन्हैया ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और रास्ते में जाके बैठ गए। बालक ने जैसे देखा ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा हे ब्राह्मण देव, आप मेरे मार्ग से हट जाइए, मुझे युद्ध भूमि में जाना। कन्हैया ने पूछा बालक युद्ध भूमि में क्यों जाना है? बोला वैसे तो युद्ध देखने जा रहा हूँ, यदि लड़ने की जरूरत पड़ी तो लड़ूंगा भी और हारे का सहारा बनूंगा। जो पक्ष हार रहा होगा उसकी हार को विजय में बदल दूंगा। बोले ऐसा क्या है तेरे पास? बोले ये 3 बाण। 3 बाण जब शंकर भगवान की तपस्या करी उन्होंने आशीर्वाद दिया, और मात भवानी की तपस्या करी उन्होंने मुझे 3 बाण दिए। एक ही बाण काफी है युद्ध का निर्णय पलटने के लिए, और इन 3 बाणों से चाहूं तो तीनों लोगों को समाप्त कर सकता हूं। कन्हैया ने कहा हे बालक अपना परिचय दो। बालक ने कहा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, माता का नाम मेरा अहिल्यावती और भीम का पोता हूं। बोलो अहिल्यावती के लाल की। तो ब्राह्मण ने कहा हे बालक तेरे बाणों में क्या इतनी शक्ति है? बोले महाराज कहो तो चला के दिखाऊं। बोले ये जो पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है इस पेड़ के सारे पत्ते बीन के दिखा दे। बालक ने एक ही बाण चलाया और पेड़ के सारे पत्ते बीन गए, और वो बाण अंत में आकर कन्हैया के पैरों के चारों ओर घूमने लगा। बालक ने कहा हे महाराज एक पत्ता अपने पैरों में छिपा लिया है, अपना पैर हटा लो नहीं तो मेरा बाण आपके पैरों को भी बीन देगा। कन्हैया ने जैसे ही बाण हटाया देखा उस पत्ते में भी सुराख हो चुका था, पत्ते में भी सुराख हो चुका था। कन्हैया को विश्वास हो गया कि यदि ये युद्ध भूमि में पहुंच गया तो एक एक को गिन गिन के चुन चुन के मारेगा, इसके बाण के प्रहार से कोई नहीं बचेगा। जो मेरे चरणों में आके मेरी शरण में आके नहीं बचा वो इसके बाणों से कैसे बचेगा। कन्हैया ने कहा हे बालक क्षत्रिय हो तो दान करो। बालक ने कहा हे महाराज जो मांगना है मांग लो, जो मांगोगे मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपनी माँ को वचन देके आया हूँ। चंद्र टरे सूरज टरे लेकिन कभी भी क्षत्रिय का वचन नहीं टर सकता। कन्हैया ने कहा ऐसा है तो बालक युद्ध भूमि का सम्मान करो, अपने शीश का दान करो, अपने शीश का दान करो। बालक को बड़ी जोर से झटका लगा,
कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण सब कुछ मांग सकता है, धन दौलत सारी वस्तुएं, लेकिन कभी किसी बालक का शीश नहीं मांग सकता, क्योंकि ब्राह्मण बाल हत्या कदापि नहीं कर सकता। तो बालक ने कहा, हे महाराज, शीश का दान होगा, अभी इसी वक्त इसी जगह होगा, लेकिन तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा, असली रूप दिखाना होगा। और कन्हैया ने ये दिखाया अपना विराट रूप और बालक ने दर्शन किए। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोले चक्रधारी की जय हो। और बालक के ये विराट रूप के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया। कन्हैया ने कहा, बालक मैं तुझे कुछ दान में देना चाहता हूँ। कन्हैया ने जैसी ये बात करी, बालक ने कहा, हे महाराज, आज तो तुम मुझसे दान मांग रहे हो, तुमने मुझसे दान मांगा, मैं तुम्हें दान दूंगा। यदि मैंने इस दान के बदले आपसे कुछ मांग लिया तो मेरा दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। कन्हैया ने कहा, नहीं बालक, कुछ तो दूंगा, मांग ले जो मांगना है। कहने लगे, महाराज आप तो खुद मेरे सामने झोली फैलाए खड़े हो, जिसके सामने आज तीनों लोक का स्वामी झोली फैलाए खड़ा हो, उसका इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो बालक ने कहा, महाराज मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। और बालक ने ये उठाई कृपाण और अपना शीश धड़ से अलग कर दिया। बोलो शीश के दानी की जय हो, शीश के दानी की जय हो। ये ताली संकीर्तन होता है इस कथा में, इसलिए ताली के साथ कहेंगे। और किया शीश का दान खाटू वाले ने हो, किया शीश का दान खाटू वाले ने, ले लिया शीश का दान मुरली वाले ने हो, ले लिया शीश का दान मुरली वाले ने, मेरे बाबा बाबा। और उस बच्चे ने अपना शीश दान में दे दिया। कन्हैया की आंखों से आंसू बह निकले, सोचने लगे, मैंने ये क्या कर डाला, आने वाला युग मुझे एक हत्यारा कहेगा, बाल हत्या मेरे सर लग गए। तभी कन्हैया ने नौ की नौ देवियों का आह्वान किया और कहा, हे देवियों, ये शीश हमारे भक्त राज का है, इस शीश को आप ऊंची पहाड़ी पे विराजमान कर अमृत पान कराए। नौ की दो देवियों ने उन्हें अमृत पान कराया और उस शीश को ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। और कन्हैया ने कहा, हे बालक, तू घर से युद्ध देखने चला था, जा मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, तू यहीं से सारा युद्ध देखकर इसका निर्णायक बने। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हो गई और पांडवों में अभिमान आ गया, लड़ने लग गए पांचों पांडव। भीम कहता है, मैंने युद्ध जीता। अर्जुन कहता है, मैंने जीता। नकुल कहता है, मैंने जीता। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने जीता। पांचों पांडव कन्हैया के पास पहुंचे, कहने लगे, कन्हैया बताइए, युद्ध किसकी वजह से जीता गया। कन्हैया ने कहा, भाई मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसकी वजह से जीता गया। बोले, फिर निर्णय कैसे हो? बोले, निर्णय ऐसे हो कि आप सभी उस शीश के पास चले जिसने पूरा युद्ध देखा। तो झोली फैलाकर पांचों पांडव उस शीश के पास पहुंचे, आप भी झोली फैलाकर अरदास करते हुए चलेंगे। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाके करेंगे उससे अरदास, जाके करेंगे उससे अरदास। चलो चले उस शीश के पास, पांचों पांडव झोली फैलाकर उस शीश के पास गए। और कन्हैया ने कहा, हे बालक, बता दो अपने इन पांचों तत्वों को कि किसकी वजह से ये युद्ध जीता गया। शीश से आवाज आई,
हे पांडव तुम किस बात का अभिमान करते हो? मैंने तो युद्ध भूमि के अंदर आप पांचों में से किसी को भी नहीं देखा। बोले फिर युद्ध कैसे जीता गया? बोले मोहन का चलता चक्कर था, काली के हाथ में खप्पर था। मोहन का चक्कर चल रहा था और दानवों के शीश को धड़ से अलग कर रहा था और काली हाथ में खप्पर लिए हुए विषपान कर रही थी, क्योंकि द्रौपदी ने काली का रूप धारण कर रखा था और द्रौपदी नाम जप रही थी, जय काली जय काली जय काली काली, इसलिए पूरे रणभूमि में रक्तपान कर रही थी। तो पांडव बोले, लेकिन एक बात तो बताओ, युद्ध हमारी वजह से नहीं जीता गया क्या? बोले नहीं। युधिष्ठिर बोले नहीं, मेरी धर्म नीति की वजह से जीता गया। बोले धर्मराज युधिष्ठिर, आप कहते हो कि आप धर्मराज हो, आपने युद्ध भूमि में झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया। अर्जुन कहने लग गए, मैं इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं, तो युद्ध मेरी वजह से जीता गया। बोले नहीं, तुम कहते हो कि युद्ध मैंने जीता, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहते हो, तुमने झूठ बोला और शिखंडी को भीम जैसे योद्धाओं के सामने खड़ा कर दिया, उन्हें बाण से छलनी छलनी कर दिया। तभी नकुल सहदेव बोले, हमने तलवार कितनी बढ़िया चलाई थी, तो युद्ध हमने जीता। बोले तुम तो रथ से जब गिर गए थे, अपने प्राणों की भीख मांग रहे थे, यदि कन्हैया अपना चक्र ना छोड़ते तो तुम्हारे प्राण पखेरु हो जाते। तभी युधिष्ठिर बोले, वत्स सही कहते हो, क्योंकि तुम मेरे पोते हो ना, अब बताओगे कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया। बोले माफ कीजिएगा दादा श्री, आप अपने आप को सर्व गदाधारी कहते हो, लेकिन तुम्हारे तो अपने प्राण बचने मुश्किल थे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि दुर्योधन का सारा शरीर पत्थर का हो चुका है, वो तो तुम्हें कभी का समाप्त कर देता यदि कन्हैया ना बताते कि इसकी जंघा पे वार करो। जैसे तुमने उसकी जंघा पे वार किया, उसका वध हो गया, पांचों पांडवों का सर शर्म से झुक गया। उन्होंने कन्हैया को प्रणाम किया और कहने लगे, वत्स फिर इतना भी बता दो कि ये विजय श्री हमारे पक्ष में क्यों आई, जब हमने कुछ किया ही नहीं। तो शिष्य ने कहा, पांडवों सुनना चाहते हो तो सुनिएगा, क्योंकि तुमने एक ही बात बोली थी, एक ही मंत्र का जाप किया था, वो आप भी करना। एक ही बात बोली थी क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोस्ते मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोस्ते मेरो है, गोपाल मेरो है, यूं तो मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, यूं तो मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले तुमने सिर्फ यही जो बात बोली थी, इसी वजह से तुम्हारी विजय हो गई पांडवों। पांचों पांडवों का सर शर्म से झुक गया और उन्होंने कन्हैया को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा है, हे बालक, तुमने जो हमारे आंखों पे अहंकार की पट्टी लगी हुई थी, तुमने उसे दूर कर दिया और हम कन्हैया को प्रणाम करते हैं। ये बात मेरे कन्हैया को इतनी पसंद आई कि कन्हैया खुश हो गए और उन्होंने कहा, हे बालक, जब मैं तुझे वरदान देता हूं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तू श्याम नाम से पूजा जाएगा, क्योंकि कलयुग में ना राम होंगे ना श्याम होंगे, राम भक्त हनुमान होंगे और श्याम भक्त खाटू श्याम होंगे, घर घर तेरी पूजा होगी और जैसे ही कलयुग का आरंभ होगा, मेरी 16 की 16 संपूर्ण कलाएं तेरे शीश में आ जाएगी और तू मेरे नाम से पूजा जाएगा, जो
ساری دنیا سے ہار کے تیرے دربار آ جائے گا. جو تُنے اپنی ماں کو وچن دیا تھا کہ میں ہارے کا سہارا بنوں گا, میں تیرے اس وچن کو جا وردان میں بدل دیتا ہوں کہ تو کلی میں ہارے کا سہارا بنے گا. جو ساری دنیا سے ہار کے تیرے دربار آ جائے گا اسے وہی چیز پراپت ہو جائے گی جو کسی کو پراپت نہیں ہونی چاہیے, اور گھر گھر تیری شام نام کی پوجا ہوگی, گھر گھر تیرا ڈنکا بجے گا. اور آج ایسا ہی ڈنکا شری کھاٹو شام سیوا سمیتی بجا رہی ہے. اور تو بابا نے جو آشیرواد دیا آج اس کا دیکھیے سب جگہ چرچا ہو رہا ہے. جو بھی کھاٹو شام بابا کے دربار جاتا ہے اسے ہر چیز پراپت ہوتی ہے, منوکامنا پورن ہوتی ہے. یہ کتھا جو بابا کی کہی گئی سنائی گئی, جنہوں نے سنا ہے بابا شام ان کی ہر منوکامنا پورن کرنا اور ان کا دھیان رکھنا. بابا بھیا یہ وگھن بولو کھاٹو نریش کی جائے. بھیا میں سماپت کرتا ہوں, یہ ہاں جی بابو جی یہ آگے سے نہیں ہوگا, یہ بالکل مت کرایا کرو جو ہو رہا ہے. یہاں ادھر کتھا چل رہی ہے بولو کھاٹو نریش کی جائے. मेल जी का श्री खाटू श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल गोयल जी का सम्मान करते हैं. एक बार जोरदार तालियां आदरणीय श्री अनिल गोयल जी के लिए. آئیے گا مل کر کہہ دیں گے سچے دربار کی. اور آج کھاٹو شام بال سیوا سمیتی نے اتنا اتنا سندر دربار سجایا ہے, ایک بار ان سب اس منڈل کے لیے ان بچوں کے لیے زوردار تالی. ہلو 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 کھاٹو کون 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 گیا بس جب بن بو بول شام پیارے جے ہو جب بن بولے ملتا تو بول کے کیا مانگے, جب بن بولے میری دنیا تم ہی ہو, میری دنیا تم ہی ہو, دنیا سے بن بھولے ملتا تو بول کے کیا ماں, جب بن بھولے ملتا تو بول کے کیا ماں, جب بن بھولے ملتا تو بول کے کیا مانگے, میری دنیا تم ہی ہو, میری دنیا تم ہی ہو, دنیا سے کیا مانگے,
ताली बजाएं सभी। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। सबसे बड़ा प्रॉफिट पता है क्या? कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी। कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी। ये पीछे वाले भी जी जिसकी हाजिरी नहीं लगी वो सब मेरे साथ कहेंगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या।
सहारे के सहारे की। आइएगा एक बार हमारे भैया के लिए जोरदार तालियां, बड़ा सुंदर कराया। आइएगा वो सारे बच्चे कृपया कर दरबार में पहुंचे। आइएगा सारे बच्चे दरबार में आए, श्री खाटू श्याम सेवा समिति उन्हें सम्मानित करेगी। दरबार में पहुंचो सभी, मेडल बनाकर आपको सम्मानित हो गए और श्याम रत्न देकर उदित बंसल जी। हेलो हेलो, आओ देखो इन बच्चों के लिए तो ताली डबल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और भगवान का रूप होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इतना सुंदर प्रयास, मेरी अनिल गोयल जी से भी इस बारे में बात हुई थी आज से लगभग 15 दिन पहले, तो सुनकर के मैं भी बड़ा भाव विभोर हो गया था। इन बच्चों ने जो प्रयास किया है तो इसलिए ताली बजती रहनी चाहिए। मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन कार्ड पर मैंने पढ़ा था उदित, उदय, अंश, वंश, यश, तन्मय, पारस, उदित कंसल, पुत्र श्री पवन कुमार जी को श्याम बाबा की सेवा व प्रचार कर विशिष्ट कार्य करने पर श्री खाटू श्याम सेवा समिति मेरठ की ओर से ये सम्मान पत्र दिया जा रहा है। और उसके बाद तैयार रहे उदय कुमार कंसल, पुत्र श्री, यानी कि दोनों भाई हैं, अलग अलग, अच्छा अच्छा इत्तफाक है ये। हाँ, यश कंसल तैयार हैं भैया, बेटा आते रहो जल्दी जल्दी। उसके बाद काव्य गुप्ता, पुत्र श्री देवेंद्र गुप्ता। आइएगा एक बार जोरदार तालियों के साथ, इन बच्चों का सम्मान हो रहा है क्योंकि इन्होंने बाबा का बड़ा सुंदर संकीर्तन कराया है। पारस कंसल, पुत्र श्री पुंटू कंसल, ताली बजाओ ना एक बार। उसके बाद तन्मय कंसल, पुत्र श्री नरेश अग्रवाल, क्या बात, एक बार फिर से ताली होनी चाहिए इस बच्चे के लिए। वंश गोयल, पुत्र श्री अनुज गोयल, तैयार हैं। बाबा को हाजिर नाजिर जानते हुए ये श्री खाटू श्याम सेवा समिति के माध्यम से ये सम्मान पत्र मिल रहे हैं, इसी श्रृंखला में अंश कंसल को आवाज दे रहा हूं। अनंत शर्मा, पुत्र श्री भारत भूषण, क्या नाम है, क्या बात है, ये होता है सम्मान। पारस अग्रवाल, पुत्र श्री नरेश अग्रवाल, फिर ताली बजाओ। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ बच्चों का उत्साह बढ़ाओ, जो इसी प्रकार से बाबा के नाम का डंका। उदित कंसल, हाँ ये नाम, क्या बात, एक बार बेटा सभी बच्चे आ जाओ एक साथ, और ग्रुप फोटो ले लेना भैया, निष्कान सेवा समिति वालों जरा ग्रुप फोटो ले लेना। आइएगा एक बार जोरदार तालियों के साथ, एक बार जोरदार तालियां, बड़ा सुंदर आयोजन इन बच्चों ने मिलजुल कर कराया, मिलकर कह दो सच्चे दरबार की, खाटू नरेश की, लखना तार की। चिंटू, चिंटू जी, हाँ पिछली बार भी, हाँ आ जाओ, बहुत जाना पहचाना चेहरा लग रहा है, बिल्कुल पहचान लिया मैंने, नाम से परिचित नहीं था मैं आपको। आइएगा चिंटू भैया कृपया कर दरबार में पहुंचे। आओ शैलेश कंसल, देखो हर महीने एक प्रचार करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, श्री शैलेश कंसल, हाँ क्या बात है, इनका नाम तो गिनीज बुक में लिखा जाना चाहिए।
कोई महीने में एक बार ले जाता है, दो बार ये चौथे की तैयारी कर रहे हैं, क्या बात है। हमें आज पता चला कि प्यार से तुम्हें चिंटू कहते हैं, व्हाट्सएप पे किसी और नाम से। हाँ, केशव बिल्कुल सही। तो आओ आइएगा, मिलकर कह दो।